ओम शांति। मधुबन प्यारे अब्बा के घर जो अपना भी घर है, और आबू पर्वत सब तीर्थों में महान है, सर्वोत्तम है। प्रायः कहा जाता है कि तीर्थ पर रहने वाले अलबेले होते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अब्बा की तीर्थ स्थली ऐसी है जो यहाँ आकर के ही सब तपस्या करना चाहते हैं, और जो रहवासी हैं वो भी तपस्या करते हैं। तो ये तो बहुत स्पेशल हो गया। और ऐसी भूमि पर जहाँ बचपन से लेकर के 9-10 वर्ष की आयु से लेके आज इतनी बड़ी आयु तक पालना ली है, वहाँ लौट कर और भी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। ये अपना घर हमें परम धाम और स्वर्ग की टिकट देने वाला है। ऑर्डिनरी नहीं, बाबा के तो एयर कंडीशन क्लास, और एयर कंडीशन क्लास प्राप्त करने के लिए, वो टिकट लेने के लिए बाबा ने हमें एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करने को कहा है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो कोई ना कोई चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं। कोई हार्ट का विशेषज्ञ है, तो कोई ब्रेन का है, तो कोई स्किन का है, तो कोई फेफड़ों का है, तो कोई किडनी का है। हम बाबा के बच्चे जो आध्यात्मिक विज्ञानी है, हम वैज्ञानिकों का जो स्पेशलाइजेशन है वो है योग, योग का सब्जेक्ट। मधुबन आते सार ही, इस गद्दी पर बैठते सार ही योग से संबंधित वे अनुभव सुजाग हो गए जो हमने यहाँ पाए। एक बार बड़ी दादी के साथ, बड़ी दादी अर्थात दादी प्रकाशमणि, मैं उनके कमरे में सवेरे गई और दादी ने सवाल पूछा, आशा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? वन टू थ्री फोर किसको कहेंगे?
तो जैसे प्रायः जवाब देते हैं वैसे ही मैंने जवाब दिया, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। दादी जी ने कहा नहीं, योग पहला सब्जेक्ट है। क्यों पहला सब्जेक्ट है? दादी ने तो विस्तार नहीं किया, लेकिन हम सब इस बात को समझ सकते हैं। योग पहला सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि योग ही हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाता है। जब शिव बाबा के साथ आत्मा की तार जुटती है तो शिव बाबा शुद्धतम और पवित्रतम है। उससे ज्यादा पवित्र, उससे ज्यादा शुद्ध और कोई नहीं है। जब बाबा को याद करते हैं तो ये दोनों विशेषताएं आत्मा में भरती जाती है। और हम आत्माएं उस स्थिति द्वारा अपनी अन्य सब्जेक्ट्स को समझती, धारण करती हैं। जितनी जितनी बुद्धि शुद्ध होती जाती है उतना ज्ञान समझ में आता जाता है। ज्ञान की गहराई, ज्ञान केवल वर्णन वाला नहीं, गहराई। जैसे परसों की मुरली थी, एक सेंटेंस था कि तुम फर्स्ट क्लास आत्मा हो। तो बुद्धि चलती है, फर्स्ट क्लास आत्मा माना क्या? बाबा फर्स्ट क्लास आत्मा बनाने वाला है हम बच्चों को, वो फर्स्ट क्लास क्या? जितना बाबा से तार जुटी हुई है तो उतना उतना बाबा के जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो समझ में आते हैं और आत्मा में भरे जाते हैं। कभी कभी घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहन कहते हैं, हमारा क्या है, हम लोग तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं, इतने सारे धंधे हैं, इतने सारे कर्म बंधन हैं, हम योगी आप लोग जैसे कैसे हो सकते हैं। परंतु बाबा ने ऐसी आत्माओं को जो घर गृहस्थ में रह के अपना जीवन ऊंचा बनाते हैं, उनके लिए कहा, बच्चे ये नहीं है कि तुम बैठ करके योग करो तो ही तुम्हारा योग है, चलते फिरते उठते बैठते अगर समर्पण भाव है, निश्चय है, नंबर वन, जहाँ निश्चय होता है वहाँ ही व्यक्ति समर्पण करता है। तो बात चल रही थी कि घर गृहस्थ में रहने वाले भी योग लगाते हैं, और मैं समझती हूँ हम समर्पण बच्चों से ज़्यादा उनकी बुद्धि उसमें लगी रहती, क्योंकि वो समर्पण का सुख उन्हें उपलब्ध नहीं है और उसके वो इच्छुक होते हैं। बाबा उनको रोक के रखता है, नहीं। तो जब घर गृहस्थ में रहने वाले इतना
कितना अच्छा योगी जीवन बिताते हैं, हर चीज उनकी योगयुक्त होती है। कोई भी छोटी सी चीज भी होगी पहले बाबा को समर्पित करेंगे, कुछ भी बनाएंगे बाबा को समर्पित करेंगे, कुछ घर में लाएंगे तो बाबा को समर्पित करेंगे। हम बच्चे जो समर्पित हो जाते हैं, हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, प्राप्ति पूरी हो जाती है। हम बच्चों के लिए क्या योग का सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया? क्या ऐसा कहें योग का सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया? जो पाना था सो पा लिया, उनको पाने की इच्छा है तो उनके अंदर वो बनी हुई है, हमने वो पा लिया। पाने के बाद फिर क्या है? पाने के बाद फिर क्या है? विकर्म विनाश, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना, और तीन चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं, परमात्मा का सालोक्य, सामीप्य और सानिध्य। सालोक्य माना उसके साथ रहना, सामीप्य अर्थात उसके समीप रहना, और सानिध्य अर्थात उसके संग में रहना। तीनों एक ही रंग है, शेड्स में अंतर है। जब सालोक्य कहते हैं साथ रहना, माना परमधाम निवासी होकर के रहना। यहां हमारा कार्य संपन्न है, निराकारी अवस्था का अभ्यास, ये अभ्यास हमारा अभी संपन्न नहीं है। समर्पण होने के बाद और कुछ शेष नहीं है, निराकारी अशरीरी। दूसरा है, और निराकारी के लिए क्या करना होगा? निराकारी के लिए क्या करना होगा? सालोक्य उसका प्राप्त कर सकें, परम धाम निवासी हम रह सकें, उसके लिए क्या करना होगा? मैं परम धाम निवासी रहूं, चाहे इस धरती पर हूं तो भी मेरी बुद्धि परम धाम में हो, उसके लिए क्या करना होगा? न्यारे, और क्या करना होगा? एक जरूरी बात है, अपने सारे कार्य जो मेरी जिम्मेवारी है वो मुझे संपन्न करने हैं। नहीं तो वो चीज मुझे खींचेगी, बंधन, बंधन के रूप से वो खींचेगी। जो भी मेरे कार्य हैं, ड्यूटीज हैं, सेवा है, सेवा भी बंधन ना बंधे, सेवा भी मुझे रोक ना पाए,
सेवा मुझे रोक ना पाए, उसका भाव अर्थ क्या? मैं चली जाऊंगी, सेवा तो होती रहेगी ना, मेरे जाने से सेवा थोड़ी बंद होगी। लेकिन कौन सी चीज पर अटेंशन देना है जिससे सेवा के बंधन से न्यारे हो? कौन सी चीज पर अटेंशन देना है जो वो बंधन ना बंधे और न्यारे हो जाए? अपने हिसाब किताब सेवा में यदि मैंपन आता है तो मैंपन मेरा बंधन है। एक व्रता हो करके संसार बाबा है। जब इस प्रकार की मेरी धारणाओं निराकारी हम तब बन सकते हैं जब इस संसार से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती है। बीज तैयार तब होता है जब इस संसार से कुछ भी लेता नहीं है। जब तक लेता रहता है तब तक बीज तैयार नहीं हो सकता, और बीज तैयार नहीं होता तो नए वृक्ष को जन्म नहीं दे सकता। बीज का स्वरूप क्या है? जो हमारी बीज रूप अवस्था है उसका स्वरूप क्या है? ना उसमें रूप है, ना उसमें रंग है, ना उसमें गंध है, ना सुगंध है। बीज देखने में कोई सुंदर तो नहीं होता, ना तो ब्यूटीफुल है, ना कलरफुल है, पावरफुल है। तो निराकारी अवस्था मेरे अंदर रचयिता के संस्कार लाती है, मास्टर रचयिता के। रचयिता के पास जो कुछ होता है वो अपनी रचना के लिए होता है, स्वयं के लिए रचयिता यूज नहीं करता, सब रचना को देता है। ऐसे निराकारी हम तब हैं जब इच्छा मात्रम अविद्या, नहीं अप्राप्त कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। इस संसार से कुछ लेना नहीं है, इसका सूक्ष्म रूप है व्यक्तियों से आशा रखना। अगर सूक्ष्म रूप में आशा भी हम रखते हैं व्यक्तियों से तो हमारी संपन्न स्टेज नहीं है, निराकारी स्टेज नहीं है। आशा किससे रखी? मनुष्य आत्मा से। मनुष्य आत्मा मेरी कोई चीज पूरी कर सकती है? नहीं। निराकारी पर अटेंशन। दूसरा है सामीप्य। सामीप्य तब प्राप्त होता है, आप अपने साथ समीप किसको रखते हो? जो आपके संस्कारों जैसा है, जो आपके इशारों को समझता है, वही करीब होगा ना। जो आपके साथ संस्कारों से मैच नहीं करता, करीब नहीं है, उसको आप थोड़ी अपने करीब रखोगे, दूर रखोगे। तो सामीप्य, इसके लिए बाप समान संस्कार,
बाप समान संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, विधातापन के संस्कार, वरदातापन के संस्कार, ये हमारे दिखाई देने चाहिए। दाता, विधाता, वरदाता, ये बाप के समीप आत्माओं की निशानी, सदा देना। विधाता सदा विधान से चलने वाले, शिव बाबा बहुत रहम दिले हैं। अंग्रेजी में कहता है गॉड इज लव बट गॉड इज जस्ट ऑल्सो, जस्ट अर्थात न्यायकारी है, न्यूट्रल है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। सामीप्य उन आत्माओं को उपलब्ध होता है जो बाबा की इशारों को समझकर बाबा के श्रीमत को, इशारों को संपन्न कर सके, उनको सामीप्य मिलता है। और तीसरा सालोक्य, सालोक्य अर्थात साथ में निवास करना। अकोमोडेशन होती है ना, तो उसमें आप किसके साथ रहना पसंद करते हो? चॉइस होती है ना सबके, इसके साथ रहेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे, इसको मेरे कमरे में भेज दो, इसको नहीं भेजना मेरे कमरे में, कहते हैं ना। तो शिव बाबा भी तो सोचता होगा ना। सालों के उन्हीं आत्माओं को उपलब्ध होगा जो बाबा के साथ एडजस्ट कर सके, वो एडजस्टमेंट क्या है? वो एडजस्टमेंट क्या है जो हम सालोक्य प्राप्त कर सके? किसी के लिए कहेंगे इसको अपने साथ बिठाओ, इसको अपने साथ तुम सुला सकते हो, किसको कहेंगे ना भाई बाबा यहाँ पर मधुबन तो पहले छोटे से ही बड़ा हुआ है ना, तो पहले तो छोटा सा घर था हमारा, पार्टी ज़्यादा आ गई तो बाबा दादी पे हक रखता था, तो दादी को कहीं पर भी जगह नहीं मिली। बाबा ने कहा तुम आके मेरी खटिया के नीचे सो जाओ। हक रखता था घर के बच्चे पर, तो हक रखा जाता है ना, घर के बच्चे को कहा जाता है अपनी खटिया छोड़ दो दूसरे को दे दो, गेस्ट को थोड़ी कहा जाएगा तुम अपनी खटिया छोड़ दो दूसरे को। तो सालोक्य प्राप्त करने के लिए स्वयं को इतना सॉफ्ट बनाना है, इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि बाबा का मुझ पर अधिकार हो। हमारा बाबा पर अधिकार है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बाप है, लेकिन हम पर बाबा का अधिकार हो वो आप सोचना। बाबा का मुझ पर अधिकार हो, बाबा मुझे कुछ भी कह सके, कुछ भी करा सके, कैसे भी करा सके, सालोक्य उसको प्राप्त होता है। इन सबका संबंध याद के साथ है। योग में, योग का एक अर्थ है योग्यता,
योग का अर्थ जोड़ भी है, योग का अर्थ संबंध भी है। योग का एक अर्थ है योग्यता, कर्मों में कुशलता। अगर योग से योग्यताओं का विकास नहीं होता तो मैं योग कहाँ जा रहा है, मेरा योग कहाँ जा रहा है। जैसे कोई गंगा स्नान करके बाहर निकले और डांटना शुरू कर दे, गुस्सा करना शुरू कर दे, तो हम उसको क्या कहते हैं, अरे भाई अभी स्नान करके निकल रहे हो, पतित पावनी गंगा कह करके बाहर आ रहे हो और इतना गुस्सा कर रहे हो, बोलते हैं ना हम उनको। ऐसे में योग लगाने वाली आत्मा, योगी जीवन वाली आत्मा और मेरी मानसिक स्थिरता ना हो, अचल अडोल अवस्था ना हो, उतार चढ़ाव हो, कर्मों में कुशलता ना हो। कई ऐसे होते हैं ना, सब्जी जल रही है, दूध गिर रहा है, अंबाला में है, मम्मा थी अंबाला या का पंजाब में हम मम्मा थी, तो अभी वो भाई बड़ा भाई हो गया, पुराना हो गया है, बहुत है अभी भी, नाम नहीं सुनाओगे। वो मम्मा निकली क्लास करा के, दूध गिर रहा था, धुआं धुआं था, मम्मा ने कही क्या हुआ, दूध के दूध का ये मम्मा दूध की आ रही है। मम्मा ने कहा ड्यूटी पर कौन था, बुलाया गया, मम्मा मैं योग लगा रहा था, मुझे पता ही लगा दूध गिर गया। मम्मा ने कहा तुम योग नहीं लगा रहा था, तुम्हारा दिमाग सैर कर रहा था कहीं और, योग लगाओ और बात गलत हो जाए। योग किसके साथ है, योग किसके साथ है, मोस्ट एक्यूरेट के साथ योग है आपका, मोस्ट एक्यूरेट के साथ योग, और यहाँ इनएक्यूरेसी हो जाए, हो ही नहीं सकता, जरूर कहीं गड़बड़ है। ऐसी दिल्ली कमला नगर की माताएं रजौरी गार्डन जा रही थी, बाबा आए हुए थे मुरली सुनने जा रही थी, तो बस चलती ना सवेरे सवेरे मुरली चलती थी, उन दिनों में सर्दियों के दिन थे, तो जब पहुंची तो बाबा की मुरली खत्म हो चुकी थी। बड़ी उदास, इतना दूर से हम आए और मुरली भी नहीं मिली। बाबा ने कहा बच्चिया इतनी क्या हुआ आज, बाबा हम योग लगा रहे थे, पता ही नहीं लगा कब बस स्टॉप चला गया। बाबा ने कहा तुम्हारा योग नहीं था, योग होता तुमको उस समय स्ट्राइक करता, योग नहीं था। तो योग से जो हम प्राप्तियों का वर्णन दुनिया को सुनाते हैं, योग्यता, वो हमारी लाइफ में आनी चाहिए ना। योग से कार्य कुशलता आनी चाहिए। हम लोग साधारण भाषा में कह देते हैं, कोई उल्टा पुल्टा करता है, कुछ करता है, तो कहते हैं बहन जी इसको ज्यादा पता नहीं लगता, ये योगी आत्मा है। वो योगी आत्मा है या कौन सी आत्मा है, लेकिन शब्द तो शुद्ध बोलना पड़ेगा ना, इसलिए कहते ये योगी आत्मा है। भाई ये कैसे हुआ बहन जी, इसकी तो बात ना पूछो, ये सातवें आसमान पे रहता है। सातवें आसमान पे रहने वाला हर चीज को अच्छी तरह जानता समझता है, क्योंकि ऊपर रहता है,
ऊपर रहने वाले को तो सब चीज स्पष्ट दिखाई देती है, ये गड़बड़ कैसे है, चेक करने वाली बात है। तो योग का हमारे जीवन से स्ट्रेट संबंध है, स्ट्रेट संबंध है। मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, ऑलवेज विक्टोरियस अगर कोई हो सकता है तो राजयोगी बच्चा ही हो सकता है, क्योंकि दो पावर्स आती है, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। स्वयं की कर्म इंद्रियों पर भी हम राज करते हैं, प्रकृति पर भी राज करते हैं, औरों के संस्कारों के ऊपर भी राज करते हैं, यानी उनसे प्रभावित नहीं होते, और उसके साथ साथ सबके दिलों पर भी राज करते हैं। केवल इतना ही अगर बुद्धि में रहता, मैं राजयोगी हूं। राजयोगी माना क्या, राज ऋषि, तपस्वी, तपस्या इसका नाम नहीं है कि मैं बैठ करके सब योग लगाऊं। नो, तपस्या उसका नाम है जो बाबा की श्रीमत है, रोज मुरली में सुनते हैं, उस श्रीमत का अक्षरशः पालन, उसको कहते तपस्या, वो है तपस्या। इसको प्राप्त करने के लिए ही हमारा प्रयास है, पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ शब्द को भी मम्मा कहती थी इजी मत लो। अभी किसी संदेशी का ने संदेश लाया, उसने कहा पुरुषार्थी ने स्वयं को परमार्थी समझो। पुरुषार्थी समझते हैं तो अलबेलापन आता है, परमार्थी समझते हैं तो सेवक नजर आते हैं। ये अवश्य, मुझे मनसा सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास बैठ के मैं मनसा सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वरूप और स्थिति ऐसी होगी जो ऑटोमेटिकली मनसा सेवा होती रहेगी, नेचुरली होती रहेगी। योगी बेहद है, योगी छोटी छोटी बातों के लिए योग नहीं लगाता, हमको मकान मिल जाए, हमको हमारे ये हो जाए, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए, ये नहीं, तो भक्ति में किया ना, वो पीरियड खत्म। अब है अपने प्रति, अपने आप को सुधारने की बात, केवल अपन को सुधारना। जग को भी भूल जाओ, आप देखिए कभी भी हम लोग किससे कुछ पूछते हैं, ये आप क्यों कर, ताकि हम दूसरों को सुना सकें, दूसरों को कर सकें, दूसरों की सेवा कर सकें, क्यों नहीं ये अपनी ओर ध्यान जाता कि अपने लिए मैं ये कर रही हूं, वो हमारा ध्यान नहीं जाता, क्यों? तुरंत हम बैठे योग से वातावरण को पावन बनाने के लिए, हम बैठे योग में ये करने, अपने प्रति नहीं जाता। चुंबक
एयर चुंबक लोहे को कहता नहीं है मेरी तरफ आओ, लोहा खींच के आता है। एयर कंडीशन रूम, उसमें जाएंगे ये नहीं कहेंगे मुझे ठंडा कर दो, ऑटोमेटिकली वो ठंडा कर देता है। मुझे सिर्फ बनना है, अगर एक सेंटेंस ये बुद्धि में रहे, मैंने बनना है ताकि बाबा मुझे यूज कर सके, मेरा उपयोग कर सके। अगर बाबा को चाहिए तो ये साधन, चलन, चेहरा और व्यवहार ये हम सबके पास है, जिसके द्वारा बाबा ऑटोमेटिकली सेवा कराता रहेगा। मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, शिव बाबा उससे कराता था, उसका साक्षात्कार कराता था, मम्मा का साक्षात्कार कराता था, तो हमारा भी तो करा सकता है ना, अगर हम ऐसे बन जाए तो। वो बनना होगा उसके लिए योग के बारे में ही, और जैसे आपने इतनी गहराई की पॉइंट सुनाई है बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही गहराई की पॉइंट ही वास्तव में पावरफुल ब्राह्मण को चाहिए, अभ्यास चाहिए। इसे बाबा ने तीन शब्द जो लास्ट में कहे हैं ना साकार मुरली में, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बस ये तीन शब्द सार हैं, सारे ज्ञान का सार ये तीन शब्द हैं। ये स्वरूप हमारा अभ्यास में चाहिए। और ये सच है जो आपने कहा कि कमजोर आत्माएं इसके वशीभूत हुई हैं, और जो उससे पावरफुल है वो भी डिप्रेशन में आ रही हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए योग, युक्त स्थिति, मर्यादा, आज्ञाकारिता, ये काम में आएगा। आज्ञा मिली और हमने किया, अलबेले पन की भी सजा है बाबा कहता है, उसका तो परित्याग करना ही पड़ेगा। तो अपनी स्थिति बनाने की जरूरत है, अपनी स्वरूप को बनाने की जरूरत है, उस पर अब हमारा फोकस है। ये तो खुशकिस्मती है जो इस समय बाबा ने हमको चांस दिया अपने ऊपर मेहनत करने का, सेवा में थोड़ी मिलता था ये चांस इतना। अभी भी अगर इसको हमने ऑनलाइन पे ले लिया, ऑनलाइन में कंपटीशन में आ गए, तो क्या रहा, ये चांस भी गंवा दिया। नहीं, अब अपने ऊपर अटेंड। ओके okay?